उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव प्रचार में उतरे। इस दौरान सीएम योगी ने रामगढ़ से उम्मीदवार देवेंद्र कुमार मड़ियाल, विजयपुर से चंद्र प्रकाश गंगा व आरएसपुरा से डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना समेत अन्य भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार कर उनको जिताने की अपील की। इसी बीच आरएसपुरा की रैली में सीएम योगी के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी रहे। योगी आदित्यनाथ ने मौसम खराब होने के कारण मोबाइल से संदेश देकर छंब से भाजपा प्रत्याशी राजीव शर्मा के लिए कमल खिलाने की अपील की। वहीं सीएम योगी ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में कहा कि पीएम मोदी ने धारा 370 हटाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया है। नरेंद्र मोदी के पीएम व अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद आतंकवाद अंतिम सांस गिन रहा है और पत्थरबाज गायब हो गए हैं। इसी क्रम में सीएम योगी ने कहा कि आपने नए भारत के जम्मू कश्मीर को देखा है, ये टेररिज्म स्टेट नहीं बल्कि टूरिज्म का बेहतरीन डेस्टिनेशन बन गया है और अब पूरा देश दुनिया बाबा बर्फानी व माँ वैष्णो के दर्शन करने आता है। इस पूरी धरा को जो महाराजा रणजीत सिंह जी की स्मृतियों को हम सबके सामने प्रस्तुत करती है, कोट कोट नमन करता हूं, आपका मैं अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी, लोकसभा के माननीय सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी, प्रत्याशी श्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, प्रोफेसर दारूराम भगत जी, डॉक्टर राजीव कुमार जी, पूर्व मंत्री श्री श्यामलाल चौधरी जी, पूर्व विधायक श्री अश्विनी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील दत्त शास्त्री जी, लंबाराम गांधी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री ब्रजेश्वर सिंह राणा जी, प्रदेश संत समाज के महामंत्री महंत राजेश श्री जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और भारी संख्या में उपस्थित बहनों भाइयों, मैं अयोध्या प्रभु राम की पावन धरा उत्तर प्रदेश से आप सबके बीच में अपील करने के लिए आया हूं।